हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हमने एम्पियर के रूल को और ओम्स लॉ को हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है एक्चुअल में इस पार्ट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग। इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है जाल। नेटवर्क देखिए, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में हम क्या करते हैं, बहुत से छोटे छोटे क्लोज सर्किट को कनेक्ट करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग। इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल दिया वो किरचॉफ ने दिया। तो किरचॉफ लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग के लिए टू रूल्स दिया। फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन लॉ फर्स्ट लॉ। देखिए, हम इससे पहले कि किरचॉफ्स लॉ पर डिस्कस करें, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। करंट इज स्केलर आर वेक्टर। देखिए, जब हम कोई भी सर्किट बनाते हैं तो किसी भी सर्किट में हम क्या करते हैं, करंट को डायरेक्शन से शो करते हैं, है ना। ये आपको पता होगा कि जैसे अपन कोई सर्किट ऐसा बना दें, यहाँ पर बैटरी लगा दें और यहाँ पर हम डायरेक्शन शो करते हैं करंट के लिए। और हम कॉन्सेप्ट में भी बोलते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट मीन्स इट्स डायरेक्शन इज सर्टेन। बट करेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वाई, किस लिए ऐसा होता है? जब करेंट डायरेक्शन शो करता है उसके बाद भी हम उसको स्केलर क्वांटिटी क्यों मानते हैं? करेंट इज, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। जनरली करेंट को स्केलर समझ लेते हैं, सॉरी वेक्टर समझ लेते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है, स्केलर। तो इसके स्केलर होने का रीजन क्या है? इसके स्केलर होने का रीजन ये है कि ये वेक्टर सम को, वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करता। सपोज हमने यहाँ से एक सर्किट बनाया और इस सर्किट में हम यहाँ पर करंट सप्लाई किए, ये फिर सर्किट बनाया और हम यहाँ पर इसको अगेन इनिशियल पोजिशन में रिपीट कर दिए। तो यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो यहाँ पर करंट को क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि वेक्टर सम का मतलब होता है ट्राइंगल का सम जीरो होता है। बट इन दिस केस करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर करंट जीरो के इक्वल नहीं होता। यही रीजन है कि हम करंट को क्या मानते हैं, स्केलर। वेक्टर के पूरे प्रॉपर्टी शो करने के बाद भी वो स्केलर है क्योंकि वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता। इसलिए किरचॉफ ने जब अपने रूल दिया तो उसने इस रूल में साइन कन्वेंशन यूज किया। ये मैं आपको रूल के बाद बताऊंगा, पहले पर रूल समझते हैं कि रूल में उन्होंने क्या बताया। देखें, यहाँ पर इसका नाम इन्होंने जंक्शन रखा। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर वी हैव टू आर मोर देन टू डायरेक्शन। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपने जैसे रेलवे जंक्शन ही सुना होगा। रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है? रेलवे जंक्शन मतलब एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर टू आर मोर देन टू वेव्स में ट्रेन के आने जाने का रूट होता है, इसलिए उसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन पॉइंट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सपोज ये एक जंक्शन पॉइंट है और जंक्शन पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ करंट, सपोज ये जंक्शन है, ये करंट है I1, ये जंक्शन के टूवर्ड्स जंक्शन जा रहे हैं। सपोज ये करंट I2 है, ये आप देख रहे हैं जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। सपोज ये I3 है, टूवर्ड्स जंक्शन है। सपोज ये I4 है, टूवर्ड्स जंक्शन है। ये सपोज I5 है, अवे फ्रॉम जंक्शन है। तो किरचॉफ ने अपने फर्स्ट रूल में यह बताया कि किसी भी जंक्शन पर जितने करंट मिलेंगे वो सभी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दैट मींस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ द टोटल एल्जेब्रिक सम एट एनी जंक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज जीरो। दैट मींस इन दिस केस मैथमेटिकली आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस I4 प्लस I5 इज जीरो। बट दिस रिलेशन इज रॉन्ग, अभी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाद में किरचॉफ ने, चूंकि करंट का स्केलर क्वांटिटी था,
वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए किरचाफ ने क्या किया, इसमें साइन कन्वेंशन यूज किया। तो कभी भी किरचाफ लॉ के बाद आपको याद तैयार करना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन को हम हिंदी में परिपाटी कहते हैं। कन्वेंशन मतलब कुछ ऐसे रूल्स जिसको कंसीडर किया जाता है और जिसको सबको फॉलो करना होता है। तो कंसीडर, उन्होंने कन्वेंशन में क्या बताया कि जितने करंट जंक्शन की तरफ जाएंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे और जितने करंट जंक्शन से बाहर होंगे वो निगेटिव लिए जाएंगे। मतलब टूवर्ड्स द जंक्शन द साइन ऑफ द करंट इज पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम इट्स साइन विल बी निगेटिव। दैट मीन्स इन दिस केस द वैल्यू ऑफ I5 एंड I2 आर निगेटिव बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम जंक्शन। क्लियर? तो I2 को हम निगेटिव कर देते हैं, ये I2 और I5 के सामने निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये इसका सही रिलेशन है। तो कभी भी आप फर्स्ट लॉ को या जंक्शन लॉ को अप्लाई करेंगे, देखिए ये जो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट आप तक जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग में एक भी न्यूमेरिकल हिसाब से नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले आप इसके रूल्स को समझिए, इसके बाद साइन कन्वेंशन को, क्योंकि कभी भी आप यदि प्रॉपर साइन यूज नहीं करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने पॉजिटिव लिया जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव लिया जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो निगेटिव वैल्यू को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल I2 और I5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो I2 प्लस I5। दैट मीन्स किरचॉफ्स लॉ इज आल्सो रिटन एज दिस फॉर्म। अब इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ द टोटल करेंट द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करेंट टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करेंट अवे फ्रॉम जंक्शन। दैट मीन्स जितने करेंट जंक्शन के तरफ जाएंगे उनका सम को हम जो जंक्शन से बाहर जाएंगे उनके सम के इक्वल ही सकते हैं। तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट दो तरीके से कहा जा सकता है, ऐसा भी दोनों सही है। और यदि हम इसको सिम्बोलिक फॉर्म में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, σi = 0, मतलब सिग्मा का मतलब होता है सम, एल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ इज कॉल्ड क्लोज्ड मेश रूल, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड रूल इज कॉल्ड क्लोज्ड मेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेश, मेश अपन किसको बोलते हैं, सेकंड इज क्लोज्ड मेश लॉ इज कॉल्ड सेकंड रूल। ये इसका सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, क्लोज्ड मेश। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेश, सबसे पहले हमको मेश का मीनिंग समझना होगा तभी हमको क्लोज्ड मेश रूल समझ में आएगा। मेश का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई नेट हो, नेट मतलब जाल, इस तरह से हमने पास कोई नेट हो, इस नेट में, इस नेट का जो एक स्मॉल पार्ट होता है जो हम सेल कह सकते हैं, सपोज ये इसका एक स्मॉल पार्ट है, ये जो मैं रेड इंक से बनाया ये इसका एक स्मॉल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मेस। मतलब मेस इज द स्मॉल क्लोज्ड सर्किट इन एनी नेटवर्क। कोई बड़ा नेटवर्क है अपने पास, उस बड़े नेटवर्क के एक छोटे पार्ट को हम मेस बोलते हैं। तो जब तक आपको इसके प्रॉपर मीनिंग समझ में नहीं आएंगे, रूल समझ में नहीं आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे मेस का मतलब होता है एक स्मॉल क्लोज सर्किट है। तो क्लोज मेल में किरचॉफ ने क्या बताया, इसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्किट। जब तक आपको किसी भी टॉपिक का सर्किट डायग्राम क्लियर नहीं होगा आप उसका रूल समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लर्न करिए सर्किट को। तो यहां पर मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूं, देखिए ये एक रजिस्टर है, ये सेकंड नंबर का रजिस्टर है, ये थर्ड नंबर का रजिस्टर है। इस रजिस्टर के साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, ये प्लस माइनस, यहाँ भी बैटरी कनेक्ट किया, इसमें नहीं किया, और यहाँ पर हमने इसको एक क्लोज मेस बनाया ऐसा। सपोज द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज सपोज E1 एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज E2। क्लियर? अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1
इज सपोज आई वन एंड फ्रॉम आर टू इज सपोज आई टू। अब यहां पर देखिए हम इसका एक नाम दे देते हैं कंप्लीट, इसका ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पर तो हमने कोई बैटरी नहीं लगाया है, तो ये दोनों करंट जब यहां पर आएंगे, ये करंट का डायरेक्शन भी इधर है, इसका भी यहां पर है, तो दोनों करंट यहां पर कंबाइंड होकर फ्लो होंगे और आर थ्री रजिस्टर से दोनों करंट आई वन प्लस आई टू के फॉर्म में यहां से फ्लो होंगे। ये हमारा हो गया सर्किट क्लोज्ड मेश रूल का। अब इसमें मैं एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखता हूं, इसके बाद हम इसके स्टेटमेंट पर बात करेंगे। देखिए मैथमेटिकली किरचॉफ ने क्या बताया यहां पर कि आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू आई टू आर टू ठीक इक्वल टू ई वन माइनस ई टू इन क्लोज्ड मेश, इन क्लोज्ड मेश ए बी सी डी ए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी आप क्लोज्ड मेश को जब लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर सेम होना चाहिए, अदरवाइज मेश क्लोज नहीं होगा। देखिए यहां पर ए बी सी डी, सपोज मैं आप यहीं पर कंप्लीट कर दूं तो ये ओपन हो जाएगा, इसलिए कभी भी क्लोज मेश को आपको लिखना है तो ए बी सी डी ए इस तरह से आप लिखोगे। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशन यहां पर लिखा हुआ है इसको हम इनवर्ड क्या कह सकते हैं। यहां पर मैंने बीच में जो साइन माइनस यूज किया है वो साइन कन्वेंशन पर है, इसमें भी साइन कन्वेंशन है, उस पर बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप इसके स्टेटमेंट को समझिए। तो देखिए हो क्या रहा है, यहां पर आई वन का आर वन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आई टू का आर टू के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट बैटरी के इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से सेकंड बैटरी का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स माइनस हो रहे हैं। तो इसको इनवर्ड हम क्या कहेंगे, आप मैथमेटिकल कभी भी किसी भी रूल को आप डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड रटिए मत, क्योंकि कभी भी आप किसी भी साइंटिस्ट की स्टेटमेंट को बिना समझे रटोगे तो ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर क्लास में आपको ये बात याद दिलाता हूँ कि सबसे पहले आप मैथमेटिकल रिलेशन तैयार करिए और मैथमेटिकल रिलेशन के बेस पर स्टेटमेंट को बोलना सीखिए। यदि आप उल्टा वर्क करेंगे, पहले स्टेटमेंट को रट लेंगे और बाद में आप मैथमेटिकल, तो कभी याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं पढ़ाने का मेरा तरीका भी ऐसे ही है कि पहले मैं मैथमेटिकल रिलेशन बनाता हूँ एंड आफ्टर दैट इट्स स्टेटमेंट। अब उसको इन्वर्ट क्या बोलेंगे, देखिए इन एनी क्लोज्ड मेस, आप ध्यान देते जाएंगे कि मैं उनको इन्वर्ट कैसे बोल रहा हूं। इन एनी क्लोज्ड मेस द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यहां पर दो चीज का प्रोडक्ट हो रहा है, किसका किसका, करंट और उसके रेजिस्टेंस का। तो उसको हम क्या कहेंगे, इन एनी क्लोज्ड मेस द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये एल्जेब्रिक सम है, माइनस है लेकिन वो सम कहलाता है। इन एनी क्लोज्ड मेस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। क्लियर, इन एनी क्लोज्ड मेश द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूज्ड इन द सर्किट। क्लियर, इस तरह से हमको क्या पता चलता है कि किसी भी सर्किट में करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो एल्जेब्रिक सम होता है, उस सर्किट में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। क्लियर, अब यहां पर माइनस कैसे यूज किया गया है, यहां पर जो माइनस साइन यूज किया गया है, यहां माइनस यूज किया गया, यहां माइनस क्यों किया गया, देखिए तो माइनस साइन क्या है, साइन कन्वेंशन से यूज किया गया है। किस तरह से, उससे पहले मैं इसका एक और रिलेशन लिख दूं, इन क्लोज्ड मेश, एक और क्लोज्ड मेश है अपने पास, देखें यहां से सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, ये जो क्लोज्ड मेश है इस पर यदि हम इस रूल को अप्लाई करें तो आई टू का आई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आई टू आर टू, यहां पर करंट है आई वन प्लस आई टू, रेजिस्टेंस है आर थ्री, तो यहां हो जाएगा प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, और इसमें बैटरी एक ही लगा हुआ है क्या ई टू, तो अकेला बैटरी हो जाएगा ये ई टू, ये हो जाएगा क्लोज सेकंड क्लोज मेश में। तो साइन कन्वेंशन में क्या बता रहा था, देखिए आप किसी भी एक क्लोज मेश में चलिए, किसी एक टर्मिनल से चलिए वहीं तक दोबारा पहुंचिए, तो रास्ते में जो करंट मिलेगा यदि उस करंट का डायरेक्शन
आपके चलने की दिशा में होता है, आप जिधर जा रहे हैं उधर होता है, तो उसको पॉजिटिव लेना है, और सपोज उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट है उसको निगेटिव लेना है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले में अप्लाई कर रहा हूँ, हम इधर से चले, सपोज हम इस डायरेक्शन से चलते हैं ऐसा, तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये करंट मिलेगा अपने को, करंट हमारे अपोजिट है, तो हमने करंट को क्या लिया है, माइनस लिया है। इसके बाद इधर चलिए, तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो हमारे चलने के डायरेक्शन में है, जिधर हम जा रहे हैं, इसलिए क्या लिया है, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन फॉर करंट है। अब इस साइन कन्वेंशन को हम यूज़ करें किसके लिए, बैटरी के लिए। तो कैसे लिखा जाएगा देखिए उसको, हम उसी डायरेक्शन में फिर चलते हैं, और जिस बैटरी में हम पॉजिटिव से निगेटिव, जिसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ एंट्री करेंगे उसको माइनस लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है। और यदि हम करेंट को, यदि हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यदि एंट्री करें निगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए यहाँ पर उसको पॉजिटिव लिया हुआ है। अब यदि आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो जिस तरह से लिखे हैं ऐसे चला दिया, हम उल्टा चलना चाहते हैं, तब भी वैसे ही होगा। देखिए आप इधर से चलेंगे तो I1 माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बट I2 प्लस हो जाएगा, और उस डायरेक्शन में भी E1 माइनस E2 प्लस हो जाएगा। तो माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे रिलेशन में तो सेम टू सेम हो जाएगा। मतलब इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज इसको माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू माइनस E1 प्लस E2 भी आप लिख सकते हैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करने से। तो ये जो इधर से जाएगा उसके लिए सही हो जाएगा, दोनों रिलेशन सही है, दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन है, क्लियर। और इसी तरह से क्लोज मेस सी डी ई एफ सी में भी अप्लाई किया गया है। तो ये जो किरचाफ ला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको किरचाफ ला प्रॉपर तैयार नहीं होगा, आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और आपको रूल्स भी लर्न करना है और साइन कन्वेंशन भी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कम्प्लीटली किरचाफ ला पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। यदि आपको किरचाफ ला समझ में आ जाता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज को आप इसी के हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने एक ब्रिज के फॉर्म में, ब्रिज मतलब सेतु पुल, वही ब्रिज है। तो यहां से उन्होंने क्या किया, ब्रिज के फॉर्म में फोर रजिस्टर को एडजस्टमेंट किया, इसलिए हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके सर्किट को समझते हैं। देखिए ये सपोज ये एक एडजस्टमेंट है, एक रेक्टेंगल है, सपोज यहां पर हमने फोर रजिस्टर, एक यहां पर, एक यहां, ये फोर रजिस्टर को एक रेक्टेंगल के फोर एडजेसेंट साइड से क्या किया, रिप्रेजेंट किया। इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब इसका एक डायगोनल है ए सी, ये ए सी एक डायगोनल है, जहां से हमने यहां वायर लिया और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, बैटरी एंड की ये लगा दिया, ये बैटरी है सपोज। और इसका एक और डायगोनल था, यहाँ पर हमने एक प्रेस की, ये भी की है, और साथ में गैल्वेनोमीटर लगा के यहाँ से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। और इस रजिस्टर का नाम हमने दिया पी क्यू आर एस, ये पी है, ये क्यू है सपोज, ये आर है, ये फोर रजिस्टर हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो करंट सप्लाई होगा, ये सपोज करंट आई है, ये इस जंक्शन में पहुँचने के बाद टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज यहाँ से जो करंट होके जाता है वो आई वन है थ्रू पी। अब आगे चलिए, अब ये इस जंक्शन में पहुँचेगा, फिर ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज यहाँ से होके जाता है आई टू, और गैल्वेनोमीटर से जो करंट होके जाता है वो सपोज आई जी है। यहाँ से जो करंट जाता है उसको सपोज हमने I3 कंसीडर कर लिया।
अब आई जी ऊपर से आएगा, आई थ्री नीचे से आएगा, और दोनों यहाँ मिलने के बाद इधर से फ्लो हो जाएंगे, और इसको हमने सपोज कर लिया आई फोर इस तरह से। अब इस तरह से फोर रजिस्टर को किसी रेक्टेंगल के फोर एडजस्ट साइड से व्हीट स्टोन ने क्या किया, अरेंज कर लिया, एक डायगोनल में बैटरी लगा दिया, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। अब उन्होंने ये फोर रजिस्टर के वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, दैट मीन्स बी पॉइंट और डी पॉइंट ये दोनों जंक्शन इक्वल पोटेंशियल पर आ गए थे। और आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि इक्वल पोटेंशियल वाले कंडीशन में करंट सप्लाई नहीं होता। तो जब इस तरह के कंडीशन में आ गया तो किरचॉफ ने बताया कि टू एडजेसेंट साइड्स में जो रजिस्टर का रेशियो है वो टू अदर एडजेसेंट साइड्स में जो रजिस्टर का रेशियो है उसके क्या होता है, इक्वल होता है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। अब इसको हम इनवर्ड क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, इफ फोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड फोर एडजेसेंट साइड्स ऑफ एनी रेक्टेंगल, ए बैटरी इज कनेक्टेड विथ वन डायगोनल एंड ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विथ अनदर डायगोनल एंड इफ गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन देन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ टू अदर एडजेसेंट साइड्स। ये होता है किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके तैयार होने के बाद आगे के बहुत से टॉपिक में आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्लियर। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है क्योंकि किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है। इसका मैं पहले आपको आउटलाइन बता दूं कि कैसे प्रूफ होता है। एक बार ये दोनों जंक्शन, जंक्शन बी और जंक्शन डी पर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाइए, दोनों जंक्शन है, देखिए यहाँ पर थ्री रूट है, यहाँ भी थ्री रूट है, तो ये दोनों जंक्शन पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाइए, उसके बाद एक ए बी डी ए क्लोज्ड मेश पर किरचॉफ का सेकंड लॉ, फिर बी सी डी बी पर किरचॉफ का सेकंड लॉ, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, एट जंक्शन बी, सॉरी एट जंक्शन बी बाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये मैं फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ। तो देखिए जंक्शन के तरफ कौन कौन करंट जा रहे हैं, आई वन जंक्शन के तरफ जा रहा है और आई टू और आई जी जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो मैंने अभी बताया कि टूअर्ड्स जंक्शन इक्वल टू अवे फ्रॉम जंक्शन, तो क्या हो जाएगा ये आई वन इक्वल टू आई टू प्लस जी, दैट इम्प्लाइज आई वन इक्वल टू आई टू रिलेशन नंबर फर्स्ट बिकॉज आई जी इज जीरो। अभी मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए आई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। अगेन एट जंक्शन डी बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। इस जंक्शन को देखिए, इधर से करंट आ रहा है आई थ्री, इधर से करंट आ रहा है आई जी, तो हो जाएगा आई थ्री प्लस आई जी, और जंक्शन से बाहर जा रहा है कौन, आई फोर, तो ये आई फोर हो जाएगा, और आई जी जीरो होता है तो हो जाएगा आई थ्री इक्वल टू आई फोर रिलेशन नंबर सेकेंड। तो हमने दो बार किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को लगा लिया, क्लियर। अब हम लगा लेंगे दो बार किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को, एट क्लोज्ड मेस, इन क्लोज्ड मेस, नाम देखिए वहां पर ए बी डी ए, ए बी डी ए बाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या होता है, करंट और उसके रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स देखो आई वन इंटू पी, ये हो जाएगा आई वन इंटू पी प्लस। अब आगे चलिए, यहां चलेंगे तो आई जी इंटू जी, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो प्लस हो जाएगा आई जी इंटू जी। अब आगे जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन हमको अपोजिट मिल रहा है, तो हो जाएगा आई थ्री इंटू आर इक्वल टू जीरो। यहां पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखिए आई थ्री का डायरेक्शन इसके क्या है, अपोजिट है।
दैट इंप्लाइज IG तो जीरो हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो I1P इक्वल टू आएगा I3 इंटू आर रिएक्शन नंबर थर्ड। अगेन इन क्लोज्ड मेस, एक और क्लोज मेस अपने पास मैंने बताया BCDB बाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, वहां भी अप्लाई करिए। तो देखिए यहां से चलिए I2 इंटू क्यू, ये हो जाएगा I2 इंटू क्यू। अब यहां जाने के बाद ये डायरेक्शन अपोजिट मिल जाएगा तो माइनस I4 इंटू एस, फिर ऊपर जाएंगे ये भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा माइनस IG इंटू जी इक्वल टू जीरो। अच्छा राइट हैंड साइड में हम जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगा है, बैटरी लगता तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखते। आपको किरचॉफ्स लॉ समझ में आने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इंप्लाइज ये जीरो हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो I2Q इक्वल टू हो जाएगा I4 इंटू एस, दिस इज रिलेशन नंबर फोर। नाउ रिलेशन थर्ड डिवाइडेड बाई फोर, रिलेशन थर्ड में रिलेशन फोर को हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए I1P अपॉन I2Q इक्वल I3R अपॉन I4S। अब यहां पर देखिए रिलेशन फर्स्ट में हमने प्रूफ करके रखा है, यहां ये रिलेशन फर्स्ट में हमने प्रूफ करके रखा है I1 इक्वल टू I2, और रिलेशन सेकंड में प्रूफ करके रखा है I3 इक्वल टू I4। तो I1 I2 के इक्वल है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और I3 I4 के इक्वल है ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा देयरफॉर वो है आएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है जो प्रूफ हो जाता है, क्लियर। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ भी नहीं है, इसमें फोर रजिस्टर को इस तरह से अरेंज किया गया और बोला गया कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यदि जीरो हो तो ये दोनों रजिस्टेंस का रेशियो इनके इक्वल होता है। प्रूफ करने का तरीका क्या है कि दो बार ये दोनों जंक्शन में हम किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को लगाते हैं, और उसके बाद इस क्लोज्ड मेस में और इस क्लोज में किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को लगाते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं तो प्रूफ हो जाता है। मतलब यदि आपको किरचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग, इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। आप ये दोनों रूल को बहुत अच्छे से तैयार करिए, खासकर किरचॉफ्स लॉ। यदि आपको किरचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा तो किरचॉफ्स लॉ के बेस पर जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको आसानी से बनेंगे। तो आप इसको रिपीट करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, थैंक यू।